बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैनब डिशा डे। ज़ैनब डिशा डे के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट का केक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पास चॉकलेट स्पॉन्ज भी रेडी है, गुनाश भी रेडी है जो मैंने घर पे बनाई है, मेरे पास डबल क्रीम भी रेडी है और कुछ मेरे पास ब्लैकबेरी के जो पुडिंग है वो भी मेरे पास मौजूद है। एक्चुअली टुडे इज़ वेरी वेरी स्पेशल डे एंड ब्यूटीफुल डे फॉर आवर फॉर मी एंड माय फैमिली। टुडे इज़ माशाल्लाह आवर हबीब्स बर्थडे एंड ही इज़ 28 नाउ। सो आई वांट टू मेक दिस ब्यूटीफुल केक फॉर हिम एंड ट्राई टू विश हिम। आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ एंड माई फैमिली वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड। सो आई होप ऑल ऑफ माई आर्मी मेम्बर्स एंड स्पेशली माई बॉय हबीब्स, ही विल लाइक इट। सो माशाल्लाह आई एम गोइंग टू बिगिन द केक। सो प्लीज जस्ट सी हाउ आई एम मेकिंग दिस माई केक। एक्चुअली दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट एंड इट इज अ वेरी वेरी delicious cake which me and my family specially like. So I want to make for birthday boy also the same cake. He's just like my son. So I think I have to make something special which I like. So मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया, स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर शुगर सिरप को, और अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये डालूँगी ब्लैकबेरी का। ऐसे बड़ा क्यूट सा नन्ना मुन्ना सा केक है। आई होप कि जब आप लोग बनाएंगे अपने घर पर तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। अब मैं इसके ऊपर डबल क्रीम डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह मान रही हूँ। इस तरीके से कोशिश करूँगी साइडों के ऊपर से थोड़ा क्रीम ज़्यादा हो। हमेशा जब भी आप केक बनाते हैं और दूसरे दिन आप उसको फ्रॉस्टिंग करते हैं तो कोशिश किया करें कि केक को वन डे बिफोर आप बना लिया करें ताकि वो थोड़ा सा आपके उसके मुताबिक हो जाए और सेट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करे। अभी मैं इसकी सेकंड लेयर इसके ऊपर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह फिर से इसे शुगर सिरप थोड़ा सा इसको लगाऊंगी ताकि केक आपका ज़रा भी, हाँ इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ऑरेंज जूस लगा सकते हैं या फिर आप जो भी जूस आपको पसंद हो, और अगर आप हनी के साथ भी ये बना सकते हैं। मैं नॉर्मली हनी या शुगर सिरप चीनी के साथ ही बनाती हूँ और फिर मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगेन मैं इसको रिपीट करूँगी। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने गुनाश जो है वो घर तैयार करके घर में रखी हुई है और ये मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया ताकि मैंने जो फ्रॉस्टिंग की है ये इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने जैसे पहला स्टेप लगाया था उसी तरीके से तीनों स्टेप में मैंने ब्लूबेरी की पुडिंग डाल के उसके ऊपर मैंने डबल क्रीम डाल के और उसको सेट कर लिया। अब मैं आपके सामने बस इसको इस तरीके से रखूँगी और इसके बाद मैं इसको कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी वो नीचे चली जाएगी, बिल्कुल भी वो ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। जी ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा केक कितना प्यारा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह यूनिक केक बना है। इट्स वेरी वेरी टेस्टी। सॉरी, आई नो कि आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आप लोगों को भी ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगेगा खाने में। बहुत ही सॉफ्ट सा है और बहुत ही चॉकलेटी सा है। तो वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हबी एंड आई थिंक वी विल ऑलवेज सेलिब्रेट हिज ब्यूटीफुल डे इन कमिंग ईयर्स आल्सो। सो गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू लॉन्ग लॉन्ग लाइफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मे अल्लाह ब्लेस यू। बाय बाय।